हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं नई रेसिपी बनाने जा रही हूँ। आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगे। मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है ब्रेड क्रम्स, जो साइड के बचते हैं ब्रेड के, उसको मैंने मिक्सी में अच्छे से बारीक से पीस लिया है। अब इसको नापते हैं। ये एक कप ब्रेड क्रम्स है, इसको मैंने दबा के लिया है। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा 2-3 मिनट इसको रोस्ट कर लेंगे। जब तक ब्रेड क्रम्स रोस्ट हो रहे हैं, तब तक चलिए मैं इसका नाम बता देती हूँ। इसका नाम है ब्रेड एजेस बर्फी। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स रोस्ट हो चुके हैं। आप इसको थोड़ा सा छू के देख सकते हैं, ऐसे कुरकुरिश आवाज आनी चाहिए। यही साइन होता है कि रोस्ट हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और चाशनी बनाकर हम तैयार रखेंगे। चाशनी के लिए हम क्या करेंगे, ये 1/2 कप जिस कप से हमने ब्रेड क्रम्स नापा था उसी से ये 1/2 कप डाल देंगे। और 1/2 कप में हम 1/4 कप पानी डालेंगे। धीमी आंच पर चीनी को पिघला लेंगे और 1 तार की चाशनी हमें बनानी है। एक से दो तार बन जाता है। ये देखिए, चाशनी में उबाल आ चुकी है और हम चेक कर लेते हैं 1 तार की बनी है कि नहीं बनी है। थोड़ी चाशनी हमारी देखिए रेडी हो चुकी है। ये देखिए 1 तार बन रहा है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्स डाल देंगे। ये 1/2 कप मिल्क पाउडर है, हल्का सा टेस्ट अच्छा आ जाएगा इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो 1/2 कप दूध भी डाल सकते हैं। अब इसको गाढ़ा होने तक चलाते रहिए। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। अब आप जो बच्चे बना रहे हैं तो आप ग्रीस कर लीजिए अच्छे से चारों तरफ। देखिए, बच्चे को इसमें जमा दिया है। आप अपनी मनपसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं, सूखा नारियल, और मैंने बादाम डाला हुआ है। और गाइस, आप लोग ध्यान रखिएगा, चीनी आप अपने हिसाब से डालिएगा क्योंकि मिल्क पाउडर में भी चीनी होती है और इसमें भी हम लोगों ने डाला है और ब्रेड में भी थोड़ी सी चीनी पड़ती है, इसलिए आप अपने हिसाब से डालिएगा। ये देखिए, रेडी है हमारी ब्रेड क्रम्स की। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।
कैसी लग रही है देखने में बर्फ़ी? अच्छी लग रही है ना, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ब्रेड एजेस की बर्फ़ी कैसी बनी है।